दोस्त लगते टीवी पर लावून दे हनुमान चालीसा लावून दे. हनुमान चालीसा तर नुसतं निमित्त, फक्त परत डायना आणि रोमा सारखं तेच बघायचं. नाही
गुड आफ्टरनून अमृता मैडम. येस गुड आफ्टरनून, जस्ट गिव मी अ मिनट. येस कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है और साथ ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों का रोजगार देने वाला क्षेत्र भी, लेकिन आज भी किसान की अवस्था बहुत ही नाजुक है। कभी बारिश ना आने की वजह से
तो कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से, कभी पेस्ट अटैक की वजह से, तो कभी उपज को उचित भाव न मिलने की वजह से, कभी खराब सीड के कारण, तो कभी पैसे न होने के कारण, किसी न किसी कारणवश हमारा किसान हमेशा परेशान पाया जाता है। किसान की इसी अवस्था को आवाज है तो एक हनुमान चालीसा। हेलो हेलो तो ओके सुधारने हेतु महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर निर्माण किया जय सरदार कृषि विकास किसान उत्पादक संगठन का। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस संगठन के बारे में। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं दिलीप नाफड़े जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूँ। सर पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी, उसी समस्या से लेके हमने जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर हमने वो किसानों से 1,000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। हमारे 10 लाख रुपए जमा होने के बाद SFC नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपए इक्विटी गारंटी दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपए हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए, और वो होने के बाद हमने 35 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। दिलीप भाव, दिलीप भाव तुमची सगळी मंडळी टोळी ना, माझे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार है। कमाल केला है तुम्ही सगळ्यांनी। जून 2018 में हुआ यह वार्तालाप संगठन के सदस्यों को और भी प्रेरित कर गया और संगठन की प्रगति देख फरवरी 2020 में इस संगठन को 10,000 FPO लॉन्च प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। यह संगठन के किसानों को प्रधानमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करने का और उन्हें रूमाल टोपी प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था मलकापुर द्वारा SFAC नई दिल्ली की सहायता से बनाया गया ये संगठन आज अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग के सहायता से इस संगठन के माध्यम से आज किसानों की अपनी मंडी उभर रही है। यहाँ किसानों के उपज की खरीद होती है और किसानों को खेती के लिए आवश्यक उत्पाद भी बेचे जाते हैं, साथ ही क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट और वेयर हाउसेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ व्यवस्था का कुछ ऐसा निर्माण किया गया कि महिला किसान भी निर्भय होकर माल बेचने या खरीदने के लिए आ रहे हैं। जय सरदार भारतवर्ष का दूसरा ऐसा FPC है जिसके गोदाम WDRA के साथ रजिस्टर है और किसान अपनी उपज यहां रखकर लोन ले सकते हैं। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए, उस पर उनका भी हक है, और उन्होंने किसानों को बोनस दिया है। साथियों, बोनस अभी भले ही छोटा हो लेकिन ये शुरुआत बहुत बड़ी है। उचित दाम और सही काम के सूत्र के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए और मार्केट कंपटीशन में किसानों के हित के लिए खड़ा रहने हेतु टेक्नोलॉजी का सहयोग लेना अनिवार्य है। यही सोचकर संगठन ने द्वारा ट्रस्ट के साथ एक ऐप का निर्माण किया। इस ऐप के माध्यम से किसान भाई बहन अपने घर से ही जो उपज उन्हें बेचना है उसके बारे में FPO को जानकारी दे सकते हैं तथा FPO के पास उपलब्ध चीजें भी खरीद सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से किसानों को क्रॉप एडवाइजरी सेवा भी प्रदान की जा रही है, जो किसानों की कम लागत में अच्छा उत्पाद लेने में भी सहायक हो रही है। FPO के यशस्विता हेतु मार्केट लिंकेज सबसे जरूरी है। यह ध्यान में रखते हुए इस FPO ने
संतुष्ट नाम से अपना खुद का ब्रांड विकसित किया है और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा महा एपीसी, एनसीडीएक्स, एनईएमएल जैसे अन्य कई संस्थाओं के माध्यम से भी मार्केट लिंकेज बनाए जा रहे हैं। ई नाम के माध्यम से भी किसानों को एक देश एक बाजार से जोड़ने का प्रयास जारी है। जय सरदार एफपीओ सिर्फ अपने किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर से अलग अलग जगह से किसान यहाँ कुछ सीखने आते हैं। इस एफपीओ द्वारा अन्य कई एफपीओ के निर्माण और उनके सक्षमीकरण में योगदान दिया जा रहा है। जय सरदार एफपीओ द्वारा निर्मित इस व्यवस्था के कारण किसानों के समय की बचत हो रही है। वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल से उपज का सही वजन हो रहा है। मार्केट में उपज की चोरी भी रोकी गई है। मार्केट के स्तर पर आने वाले अन्य लॉसेस भी बचाए जा सके हैं। वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित उचित दाम किसान को मिल रहा है और साथ ही किसान शिक्षित भी हो रहा है। जय सरदार एफपीओ का यह काम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सहारा गया। यूएस काउंसिलेट, बाला विकासा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा आयोजित स्पर्धा में पहले 10 इनोवेटिव स्टार्टअप में जय सरदार को स्थान दिया गया। एनसीडीएक्स द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका में खेती के सिकंदर के रूप में जय सरदार एफपीओ के काम को नवाजा गया। एसएफएसई द्वारा फाउंडेशन डे के अवसर पर एफपीओ को सम्मानित किया गया और लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर द्वारा भी इस एफपीओ का सम्मान किया गया। किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु उठाया गया यह कदम एक नई शुरुआत है। नरेंद्र मोदी सरकारनं साल 2023-24 पर्यंत हम स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस अमृता, यू आर ऑडिबल। यस, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अबाउट एफपीओ एंड इनिशिएटिव ऑफ कृषि विकास। मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर एक महिला किसान दिन के रूप में मनाया जाता है, तो एक ऐसा थॉट प्रोसेस थी कि क्यों ना हम इस दिन महिला किसानों का सम्मान करें और साथ ही साथ ऐसे वुमन की जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ी है और खुद भी आगे बढ़ रही है और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही है, तो उनका भी सम्मान करें, उनको भी रिकॉग्नाइज करें। और उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ कस्तूरी एंड कृषि विकास जितना हो सके उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, सो ना कि बस एक सर्टिफिकेट के तौर पे, ना कि बस रिवॉर्ड की तरफ तौर पे उनको रिकॉग्नाइज करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो सपोर्ट चाहिए, इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, माइट बी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, लीगल कंप्लायंसेस और एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो वी आर प्लानिंग सच थिंग्स, हु आर द नॉमिनेशंस आर कमिंग विथ अस। और मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि पूरे स्टेट से हमारे पास नॉमिनेशंस आ रहे हैं। सो मोर देन वी हैव रिसीव्ड टिल आई थिंक वी हैव रिसीव्ड मोर देन 60 नॉमिनेशंस एंड प्रोबेबली टुडे वी आर क्लोजिंग द लिंक फॉर द नॉमिनेशन। सो मे बी इट सो वो आसाम से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, एमपी से भी आ रहे हैं। सो ऐसे पूरे भारतवर्ष से हमारे पास अलग अलग महिला उद्योजिकाओं के नॉमिनेशंस आ रहे हैं। सो इसी बीच में नवरात्रि भी आ रही थी, तो क्यों ना हम ये दिन 9 दिन नौ दुर्गाओं के रूप से सजाए, उनके एक्सपीरियंस उनके काम से हम समझे और पूरे ये 9 दिन उनके अनुभव के साथ हम बिताए। सो इसी के इसी 9 दिन का एक भाग एक दिन आज हमें एज अ चीफ गेस्ट मिली है परिणीता मैम की, जो एमएसएमई में है। एमएसएमई स्टैंड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ की वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है। एंड बहुत सारे महिला उद्योजिकाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, हैंड होल्डिंग दिया है और उनकी बिकॉज ऑफ हर
बहुत सारी महिला अपनी उद्यमिता के क्षेत्र में अभी आगे बढ़ रही है। बस मैं हल्का सा कृषि विकास का परिचय देना चाहूंगी मैम। कृषि विकास एक सामाजिक संस्था है कि जो पिछले 20 सालों से ग्रामीण विकासों के अलग अलग प्रकल्प इंप्लीमेंट कर रही है विथ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि नाबार्ड हो, SFSE हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, और उन्हीं के साथ ही साथ अलग अलग प्राइवेट कंपनीज भी कृषि विकास के साथ जुड़ी है। आई कैन नेम फ्यू, महिंद्रा है उसमें, टाटा भी है उसमें, नेस्कॉम फाउंडेशन भी है। सो ऐसी कई सारी संस्था है कृषि विकास को एज अ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के तौर पे देखती है, और कृषि विकास से भी सारी कंपनियों के साथ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हैं। और इसी कार्यक्रम का एक भाग है कि वुमन एम्पावरमेंट। सो वुमन एम्पावरमेंट के हमारा जो डिवीजन है उसमें कस्तूरी की जो टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर द रूरल डेवलपमेंट की जो एक डिवीजन है वो हमारे साथ जुड़ी है, और कृषि विकास और कस्तूरी मिलके वुमन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बस छोटा सा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट FPO, कृषि विकास एंड द टाटा कस्तूरी। सो वेलकम मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गाइड अस ऑन दिस ओकेजन। वेलकम मैम। आप म्यूट है परिणीता मैम। सबसे पहले तो मैं अमृता मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। कृषि विकास ये जो NGO है काफी अच्छा काम कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो डेफिनेटली मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरू करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का क्या काम है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, किस तरह से क्या वर्क प्रोफाइल है इस डिपार्टमेंट का, इसे मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी। साथ ही हम किस तरह की स्कीम्स वुमेन्स के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस पे भी मैं थोड़ा बात करूंगी। तो ये प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको कुछ इसको प्रेजेंट करना चाहूंगी अपने डिपार्टमेंट को। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, इट्स विजिबल। जस्ट अ मिनट। अमृता जी जरा चेक कीजिएगा, ये यूट्यूब पे भी लाइव है क्या? मैम थोड़ा सा इश्यू है। ओके, तो रिकॉर्डिंग है। हां, यू कैन एटलीस्ट रिकॉर्ड दिस। या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस मैम, यस। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फील्ड ऑफिस है जो नागपुर में, मतलब पूरे विदर्भ रीजन के लिए हम लोग काम करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे हमारे दो ऑफिसेस हैं, जो कि मुंबई में एक है जो एंटायर महाराष्ट्र रीजन के लिए काम करता है, और नागपुर ऑफिस जो नागपुर विदर्भ रीजन के लिए काम करते हैं। साथ ही हमारे कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेंटर से, ट्रेनिंग सेंटर से जो औरंगाबाद में, फिर कोल्हापुर में है। तो इस तरह से हम लोग MSME के डेवलपमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं। It is an apex body and nodal agency for formulating and coordinating, monitoring the policies and programs of for the promotion and development of micro, small and medium enterprises. तो जो भी MSMEs का क्या मतलब है, जो industries होती है micro, small, medium enterprises, तो हम उसे MSME कहते हैं, not our department. तो हम लोग उस MSMEs के development के लिए काम करते हैं, उनके लिए promotional activities करना है, उनके लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए जो करना है उस फील्ड में हमारा डिपार्टमेंट है। दिस इज MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। इससे पहले ये एक्ट जब नोटिफाई हुआ, इससे पहले MSME डिपार्टमेंट ये SSI के नाम से जाना जाता था। तो आप सब लोग जानते होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से ये डिपार्टमेंट था।
जब ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 इनैक्ट हुआ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन चेंज हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माइक्रो स्मॉल मीडियम में आ गई। तो ये एक्ट में कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ फीचर्स है इस एक्ट के जो इसमें ऐड किए गए, उसमें सेटिंग अप ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, एडवाइजरी कमिटी टू सपोर्ट एमएसएमई, मेजर्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ एमएसएमईज, स्कीम्स टू कंट्रोल डिले पेमेंट टू एमएसएमई। तो ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ फीचर्स उसमें ऐड किए गए इस एक्ट में। अभी हम देखते हैं कि एमएसएमई एंटरप्राइज एंड, पहले जब हम लोग इसको इंडस्ट्रीज बोलते थे, नाउ वी कॉल इट एंटरप्राइज। जो भी यूनिट्स है एमएसएमईज को वी कॉल इट एंटरप्राइजेस एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जो एंटरप्राइज है उसमें दो टाइप की कंपनीज होती है, कंपनी स्पेशली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो एज पर एमएसएमई एक्ट होता है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये उसका क्लासिफिकेशन है। जैसे हम देखते हैं कि एमएसएमई, अभी बहुत लोगों को एमएसएमई तो पता है, लेकिन एमएसएमई क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है, तो ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है कोई, तो उसे सबसे पहले एमएसएमई क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। तो एमएसएमई के टू टाइप्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्राइटेरिया और सर्विस का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो माइक्रो अगर है तो अप टू 25 लाख इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस के लिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट, तो दैट यूनिट विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो। यदि स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ एंड सर्विस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 2 करोड़। मीडियम है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होना चाहिए और सर्विस एंटरप्राइज है तो 5 करोड़। सेम इसका जो क्राइटेरिया है, टर्नओवर भी इसमें कंसीडर किया जाता है अभी एज पर न्यू गाइडलाइंस। तो टर्नओवर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स के लिए अप टू 1 करोड़ होगा, 5 करोड़ ये उसका टर्नओवर हुआ माइक्रो के लिए। स्मॉल है तो 50 करोड़ एंड मीडियम है तो 250 करोड़। तो ये है एमएसएमई का क्राइटेरिया, इसी के बेसिस पे एमएसएमई का उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है और इसी बेसिस पे उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। ना उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले जो था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था वो उद्योग आधार था, उसके बाद एमएसएमई ने उसे चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया है। न्यू नोटिफिकेशन इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई From 1st July 2020, as MSME will be known as Udyam. This MSME will be known as Udyam, and the registration for enrollment of the unit will be known as Udyam registration. तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यूनिट है, जिनका भी खुद का अगर बिजनेस है तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं ये वेबसाइट के जरिए, udyamregistration.gov.in। ये कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड जरूरी होता है, पैन कार्ड जरूरी होता है, आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आप आईटीआर फिल करते होंगे, तो वो तो ये सारी जो भी एक यूनिट रिलेटेड चीजें होती है, एक एंटरप्राइजेस रिलेटेड चीजें होती है, ये सारी जरूरी होती है, तो ये उसमें दिया है। एक मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये इसका वॉल्यूम आप सुन सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है। ओके okay. नहीं ओके okay, जस्ट मिनट, यू शेयर अभी अभी आ रहा है, मैंने शेयर किया है क्या? हाँ अभी तो नहीं आ रहा है, कहाँ पे वो यूट्यूब पे ही कैसे अपलोड, पीसी पे अपलोड है? नहीं नॉर्मल वीडियो है। ओके, इसमें वॉल्यूम नहीं हो सकता है, ये जस्ट एक उसके बेनिफिट्स है जो इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको वीडियो दिख रहा है? वीडियो तो दिख रहा है, हाँ। आवाज नहीं आ रही है, वीडियो दिख रहा है, दिख रहा है ना? काफी स्लो है नेट।
ये जो चीजें हैं जो MSMEs के लिए जरूरी होती है वो सभी इश्यू करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। आप लोन लेते हो, आप आपको स्टैम्प ड्यूटी है जिसमें एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स है, आप टैक्स भरते हो, तो ये हर एक चीज के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ठीक है, ये वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो मैंने अभी बताई थी, udyamregistration.gov.in। बहुत सारी वेबसाइट आप अगर गूगल पे देखते हैं तो प्राइवेट साइट्स बहुत है, इसलिए हमने ये स्क्रीनशॉट इसमें डाला है कि आप जब भी कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद से बनाएगा तो साइट यही रहेगी, क्योंकि काफी सारी पेड साइट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है जिससे बहुत लोगों को काफी सारे पैसे भरने पड़ते हैं, बट MSME रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली फ्री, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसलिए ये आप स्क्रीन देख सकते हैं। आज के जो अभी नया क्राइटेरिया था, MSME में कुछ सेक्टर्स पहले इंक्लूडेड नहीं थे, तो इस NSIC से ये NIC कोड के थ्रू वो भी सेक्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं। ये जो है जैसे MSME में पहले रिटेल शॉप्स इंक्लूड नहीं थे, बट ये 45, 46 और 47 NIC कोड के तहत इसमें रिटेल ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो होलसेल ट्रेडर्स है, रिटेलर्स है, मीन्स जिनके शॉप्स है, छोटे शॉप्स है, वो भी MSME में रजिस्टर कर सकते हैं और MSME उठा सकते हैं। ये इसकी सब कैटेगरीज है। This is Delayed Payment Act. ये okay, मुझे आपसे एक पूछना है, हमारे इसमें जो ज्वाइन किए हुए लोग हैं वो किस सेक्टर से हैं, आप मुझे बता सकते हैं? Yes, कोई फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, कुछ स्टूडेंट्स है कि जो करना चाहते हैं अपनी उद्यमिता के क्षेत्र में, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई ऐसी महिलाएं की जिनका खुद का बिजनेस है छोटा मोटा। ओके हाँ, क्योंकि मैं कुछ चीजें हमारी ऐसी भी है जो महिलाओं के लिए जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए है, तो वो समझ में नहीं आएगा उनको इजीली, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ये जैसे है कि डिलेड पेमेंट एक्ट MSME का एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी करके बेसिकली फूड सेक्टर से रिलेटेड होगा ये क्राउड? नहीं, ये सभी सेक्टर्स के लिए है, इट्स कॉमन टू ऑल। फूड सेक्टर में भी हो तो मैं हर चीज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जैसे ये जो स्कीम है ये है MSME समाधान डिले पेमेंट। इसमें जैसे कोई किसी भी इंडस्ट्री में अगर बड़े सप्लायर्स को आप कोई अपना मटेरियल सप्लाई करते हो और वो आपको पेमेंट देने में डिले करते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो MSME का ये पॉलिसी है इसके अंतर्गत अगर आप समाधान पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं with by using that उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको जो डिले पेमेंट में आपका नुकसान हुआ है वो पेमेंट भी हो जाएगा, और साथ ही आपको विदिन 45 days आपका पेमेंट भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको उसमें जो भी आपका नुकसान हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा के मिलेगा। ये इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है, ये कंपल्सरी रहता है जिनको भी आप सप्लाई करते हो उनके लिए कंपल्शन हो जाता है कि वो पेमेंट करे। बहुत सारी छोटे यूनिट जो होते हैं ना वो बड़े बड़े सप्लायर्स को पेमेंट करते अपना मटेरियल भेज देते हैं लेकिन पेमेंट में बहुत उनको डिले होता है, तो MSME के लिए ये स्पेशल जो प्रोविजन बनाया हुआ है डिले पेमेंट एक्ट, जिसमें आप ये MSME के समाधान पोर्टल पे अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, तो इसमें MSME आपको हेल्प करती है। ये एक वीडियो है जो आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर पे, अब इसमें वॉल्यूम आपको आएगा या नहीं मैं थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, एनीवेज आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर ये तो एक सबकी अपनी चॉइस होती है, जो भी अभी मैं तो चाहूंगी कि महिलाएं जैसी जॉब्स है इधर ये सेक्टर में है तो एंटरप्रेन्योरशिप ये सेक्टर में भी होना मतलब जरूरी है। आपने कोशिश करके इस फील्ड में आना चाहिए, खुद का कुछ जो हाउसवाइफ होती है उन्होंने अपना खुद का कुछ सेटअप ऐसा कर सकते हैं, तो एक जो क्वालिटी होती है क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो इनकी कुछ क्वालिटीज है जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस,
पैशनेट एंड फोकस्ड, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, लीडरशिप एबिलिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, क्रिएटिव, ये सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर में होना जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं. नाउ द स्कीम्स ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई जनरली टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है. प्रोजेक्ट कैसा रहना चाहिए उसमें सपोर्ट, जैसे आपको कुछ हेल्प चाहिए है कि प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करे, कुछ बिजनेस करना है तो इस तरह की कंसल्टेंसी एमएसएमई से आपको मिलेगा इस डिपार्टमेंट से. देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट है इसमें, मतलब जो मार्केटिंग करना चाहते हैं आप अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसमें भी हम लोग आपको असिस्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी अपग्रेडेशन में आप कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइनेंस की कुछ स्कीम्स अवेलेबल है, जैसे CLCSS है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है. देन असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, स्टडी विजिट्स, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल. तो अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो एमएसएमई उसमें भी आपको असिस्ट करती है. देन क्लस्टर डेवलपमेंट है. क्लस्टर डेवलपमेंट में एक कॉमन फैसिलिटी सेटअप कैसे करना है, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उसके लिए एमएसएमई सपोर्ट करती है. देन IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनक्यूबेशन, इनोवेशन स्टार्टअप, डिजाइन क्लिनिक, इस तरह की स्कीम्स है एमएसएमई की. देन क्रेडिट फैसिलिटेशन में इंटरेस्ट सबवेंशन, CGTMSE, ये भी कुछ स्कीम्स है. जेड सर्टिफिकेशन, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स. फिर ये जो है ये खादी रिलेटेड है, हनी मिशन, सोलर मिशन, बाम्बू मिशन, इसमें बाम्बू के प्रोडक्ट्स, हनी के प्रोडक्ट, हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स ये इन्वॉल्व होते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं. फिर रॉ मटेरियल फाइनेंस, एमएसएमई मार्ट पे आप अपने प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इस तरह से कुछ स्कीम्स है एमएसएमई की, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. This is a part of technical consultancy, product identification, then site and technology selection, project report presentation, technical consultancy, application filling in PMEGP, Stand Up India scheme, licensing consultancy. इस तरह की consultancy जो होती है वो आपको MSME से मिलती है. फिर जो स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं. तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जो प्रोस्पेक्टिव और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए, सो दैट उन्हें एक आइडिया मिलती है कि क्या करना है, किस तरह से हमें बिजनेस करना है. साथ ही इन यहाँ से मिलने वाला जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको आगे जो आप बैंक फाइनेंस लेते हो उन सब में आपको काम आता है. और बैंक फाइनेंस अगर आप PMEGP मतलब प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो स्कीम से उसमें लेते हैं तो EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये कंपलसरी होता है. तो ये कुछ हमारे प्रोग्राम्स के फोटोज हैं, जैसे एक 2 डेज इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन हमने कराए थे, ये ट्रेनिंग्स है जो ESDP ट्रेनिंग हम कराते हैं, उस तरह के कुछ प्रोग्राम्स है. फिर नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम, ये पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर करा सकते हैं जहां से आपके प्रोडक्ट को बायर्स भी मिल सकते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे खरीद सकती है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उसके लिए होता है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनी हुई है MSMEs के लिए, तो उसमें फ्री कॉस्ट टेंडर होता है, जैसे आपको EMD अमाउंट नहीं भरना पड़ता, उसमें एग्जम्पशंस होता है. 25% रिजर्वेशन टू MSMEs इंक्लूडिंग 4% फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स एंड 3% फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर्स इन गवर्नमेंट परचेस. देन प्राइस प्रेफरेंस ऑफ 15% ओवर L1. तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट करते, अगर आप एक यूनिट है, आप अगर सपोज वुमेन एंटरप्रेन्योर है और आप किसी बड़े जैसे कोई सपोज अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनका कोई टेंडर निकला है और आप उसमें एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सेम टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं रहती कि आपको ही टेंडर मिलेगा
वो तो किसी और को भी मिल सकता है, लेकिन इसमें एमएसएमई की तरफ से ये प्रोविजन दिया गया है कि जो भी प्रोक्योरमेंट का वैल्यू होगा, अगर सपोज वहां पे आपको एक वन टन अगर माल सप्लाई करना है पूरे साल में, तो 1 टन का 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर को जाएगा जो L1 रहेगा। अगर 2 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया है टेंडर में, उसमें से 3% का प्रोविजन एक लेडी को 100% मिलना है अगर 2 ही है तो, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये बेनिफिट एमएसएमई होल्डर अगर है, एमएसएमई में वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो उनको मिलता है। इस तरह से स्कीम है। फिर मार्केटिंग असिस्टेंस टू एमएसएमईज, इसमें भी फ्री कॉस्ट पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर, जैसे आप किसी भी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप जो भी वहां पे स्टॉल रेंट देंगे उसका रिएम्बर्समेंट आपको होता है। सिर्फ वो ट्रेड फेयर जो है वो एमएसएमई से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपको उसमें रिएम्बर्समेंट मिलता है। ऐसे आप साल में 2 बार डोमेस्टिक और 2 बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, तो इसकी जो ये वेबसाइट है, इसमें आप एज अ बायर, अगर आप सेलर है, आप मैन्युफैक्चरर है, तो आप एज अ सेलर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है www.jm.gov.in, ये गवर्नमेंट ई पोर्टल है, जिसमें आप एज अ सेलर आप रजिस्ट्रेशन कर दे, तो आप किसी भी बीड में, जैसे छोटा मोटा चीजें है, जैसे अगर कोई किसी का स्टेशनरी का शॉप है या कोई स्टेशनरी का बल्क होलसेलर है, वो अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाहता है तो वो जेम पे रजिस्टर कर सकता है, तो उसमें से प्रोक्योरमेंट होगा। ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारा प्रोक्योरमेंट होता है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दिस इज नॉट ओनली फॉर एमएसएमई और किसी, सभी जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसी के थ्रू प्रोक्योरमेंट करते हैं। ऑफिस में या चीजें लगती उसका प्रोक्योरमेंट इसी के थ्रू होता है। तो जो भी है मैन्युफैक्चरर्स, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर ले एज अ सेलर। ओके मैम, बट उद्यम का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या इसके लिए? हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ये सब कंपलसरी है। आप टैक्स पेयर भी होने चाहिए, आईटीआर की जरूरत पड़ती है इसमें, बैलेंस शीट, वो सब आपका पूरा डेटा अपडेटेड होना चाहिए, तभी आप किसी बीड में इस पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है, मतलब कुछ लोग, कुछ एमएसएमई यूनिट जिन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया था, इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं। तो ये कुछ फॉरेन के एग्जीबिशंस है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये इटली में पार्टिसिपेट किया था, ये डोमेस्टिक ट्रेड फेयर है। तो ये क्रेडिट फैसिलिटेशन में इंटरेस्ट सबवेंशन एक स्कीम है। एज अ पार्ट ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई ऑन फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स। तो आप एज ए एमएसएमई अगर कोई लोन लेते हैं बैंक से, और आप अगर रेगुलर आप जीएसटी पेयर है, तो उसमें आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। मतलब क्या होता है कि जो आपको अगर बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का यदि इंटरेस्ट है आपके लोन पे, तो वो एवरी ईयर 2 साल उसमें से कम हो जाएगा। ये है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। 2% का इंटरेस्ट कम होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपका हर साल 2% इंटरेस्ट कम हो रहा है, और जो पैसे आपके इंटरेस्ट के कटते हैं 2% के, वो आपको रिफंड भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लस जीएसटी रजिस्टर्ड यूनिट्स को मिलती है। देन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जो स्कीम है CGTMSE, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो कवर होता है वो 2 करोड़ का होता है, जिसमें एमएसएमई को अगर कोई फाइनेंस लेना है, जिनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं होती है, जैसे आपके पास अगर कोलैटरल सिक्योरिटी देने के लिए सिर्फ 20 लाख की प्रॉपर्टी है, और आपको अगर लोन चाहिए है 50 लाख का, तो ऐसे केस में बैंक क्रेडिट गारंटी स्कीम की हेल्प लेके आपको CGTMSE के अंतर्गत उतना फाइनेंस आपको करके देगी। तो ये एक बेनिफिट होता है एमएसएमईज को कि CGTMSE में भी आपको फाइनेंस होता है, आपका प्राइमरी जो कोलैटरल सिक्योरिटी, इसके बेसिस पे बैंक ले सकते हैं। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
ये जो स्कीम है ये प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो 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 खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो अपना खुद का कोई एंटरप्राइज या घर से अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये सभी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंस अवेलेबल है इस स्कीम के अंतर्गत। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि द पर्सन ही शुड बी 18 ईयर्स एंड अबोव, देन उनका कोई और इनकम जनरेशन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट वो सेटअप करना चाहते हैं उसकी लिमिट होती है, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख तक का फाइनेंस होता है और सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख तक का फाइनेंस होता है। देन क्वालिफिकेशन शुड बी मिनिमम 8 स्टैंडर्ड पास। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो जो लोग मतलब बीपीएल के जो लोग हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बोरोअर कंट्रीब्यूशन 15% एंड 5% का होता है। मतलब अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो इसमें से 15% जनरल कैटेगरी के लिए और 5% रिजर्व कैटेगरी के लिए वो आपको खुद को देने पड़ते हैं। 10 लाख का यदि लोन है तो 15 और 5% आपके होते हैं, बाकी का रिमेनिंग बैंक फाइनेंस होता है। और उसमें सब्सिडी जो है वो 25% and 35% की सब्सिडी होती है। इसमें सब्सिडी का कैटेगराइजेशन ऐसे है कि विमेन्स के लिए इसमें अगर रूरल एरिया में है तो 35% और अर्बन एरिया में है तो 25% की सब्सिडी होती है। तो जो भी शुरुआत करना चाहता है, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है अपने घर से भी, तो उनके लिए ये स्कीम काफी अच्छी स्कीम है जिसमें उनको फाइनेंस भी इजिली अवेलेबल होता है। देन दिस इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना ये जो स्कीम है ये एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो जिनका छोटा बिजनेस है, शॉप है, जो अपना कम लेवल पे अपना काम करते हैं, जिनका इनकम जनरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये स्कीम का जो लिमिट है वो सिर्फ 10 लाख का है। इसमें भी तीन कैटेगरीज होती है, जैसे आप देख सकते हैं 50,000 तक का लोन है तो शिशु, 50 से 5 लाख का है तो किशोर, एंड 5 से 10 लाख का है तो तरुण। ये उसका कैटेगराइजेशन है और इसी कैटेगरी में ये लोन फाइनेंस होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट है जिनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मुद्रा में बेनिफिट ले सकते हैं। इसका प्रोसेसिंग डायरेक्टली आप जहाँ पे भी आपका करंट अकाउंट है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, वहां से आपको डायरेक्टली इसमें फाइनेंस हो जाएगा। ये एक चैंपियंस पोर्टल है, ये लास्ट ईयर कोविड में हमारे मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल शुरू किया, champions.gov.in। ये पोर्टल इसलिए था कि जैसे कोविड में सब कुछ बंद होने के कारण लोग आ नहीं सकते थे ऑफिस, तो अभी भी ये पोर्टल चल रहा है। इसमें आपका जो भी ग्रीवेंस है वो आप इसमें डालिए, वो हम लोग विद इन अ वीक उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो भी सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिया जाता है। देन ये जो नेक्स्ट स्कीम है ये है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 100 लाख मीन्स 1 करोड़, कैपिटल सब्सिडी 15% एंड 25% फॉर SC ST। एंड इसमें क्या, ये स्कीम जो है ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए होती है। इसमें जैसे आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है और आपको कोई नई मशीनरीज आपके यूनिट में सेटअप कराना है, कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यदि आई है और वो मशीन आपको यदि सेटअप कराना है, तो वो आप इस स्कीम के अंतर्गत अपने यूनिट में सेटअप करा सकते हैं, जिसमें आपको मशीनरी पे, अगर आपकी मशीनरी 1 करोड़ की होगी तो उसमें 15% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, और SC ST अगर है तो 25% की सब्सिडी इसमें मिलेगी। साथ ही नेक्स्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये क्लस्टर अप्रोच है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हायर लीन कंसल्टेंट। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है वो एक लीन कंसल्टेंट को हायर करने के लिए दिया जाता है। तो लीन कंसल्टेंट क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे 10 इंडस्ट्रीज है एक जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कंसल्टेंट क्या करेगा कि 10 लोगों को इकट्ठा लाके उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका अगर प्रोडक्शन में कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस को फाइंड आउट करेगा जो कंसल्टेंट रहेगा।
वो लॉसेस को फाइंड आउट करेगा कि इनका लॉस क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन में क्यों कमी आ रही है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट अगर इनके पास लेबर की कमी है तो लेबर कितने बढ़ाने चाहिए, अगर बहुत ज्यादा लेबर है तो उसको कम कैसे करना चाहिए, मैन पावर को साथ ही रखते हुए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो कंसल्टेंट आपके यूनिट में आके पूरा आपको यूनिट स्टडी करेगा और फिर उसमें आपको कुछ कुछ जो है जिसमें आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, इस तरह के कुछ आपको सजेस्ट करेगा जो भी उसमें टेक्निकल प्रोविजंस होते हैं। और उस इसी के लिए गवर्नमेंट उस जो कंसल्टेंट को हायर करने के लिए गवर्नमेंट फंड देती है, उसमें कुछ 30 लाख तक का कुछ ग्रांट होता है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई नया रिसर्च करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर्टी राइट्स लेते हैं, जिसमें होता है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब करने के लिए करते हैं आप तो आपको कुछ खर्चा आता है, जैसे ट्रेडमार्क लेते हैं तो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, अटॉर्नी फीस होती है, तो ये सब का रियम्बर्समेंट जो है वो एमएसएमई से होता है। रियम्बर्समेंट अप टू 1 लाख फॉर डोमेस्टिक पेटेंट, पेटेंट कराते हैं आप अपने प्रोडक्ट को तो उसमें भी रियम्बर्समेंट होता है। इंटरनेशनल पेटेंट है तो 5 लाख तक का उसमें खर्चा आता है तो उतना रियम्बर्समेंट इसमें होता है। ट्रेडमार्क के लिए रियम्बर्समेंट होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यदि आप लेते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब अगर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे नागपुर में आपने वायगांव हड़द सुना होगा, नियर बाय वर्धा डिस्ट्रिक्ट, तो हल्दी का वहाँ पे प्रोडक्शन है, उस गाँव के नाम से वो हल्दी फेमस है, तो उन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन लिया है ट्रेडमार्क उस अपने हल्दी के लिए, तो वो वायगांव हल्दी के नाम से फेमस है, तो उसके लिए उस तरह का अगर जीआई कोई लेते हैं तो उनको भी रियम्बर्समेंट होता है। तो इस तरह से ये स्कीम है। फिर है बिजनेस इंक्यूबेशन। बिजनेस इंक्यूबेशन में ग्रांटेड अप टू 1 करोड़ टू होस्ट इंस्टीट्यूशन और बिजनेस इंक्यूबेशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 15 लाख पर आइडिया। तो बिजनेस इंक्यूबेशन क्या है, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई अपने प्रोजेक्ट पे काम करता है, किसी के पास बिजनेस सेटअप के लिए कोई ना कोई आइडियाज होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो उन्हें अगर उनके प्रोजेक्ट्स पे कोई यूनिट सेटअप करना है आगे चल के, तो उनके लिए अगर बिजनेस इंक्यूबेशन है तो उनके लिए गवर्नमेंट वहीं से फाइनेंस करती है। उनको 15 लाख उनके पर आइडिया पर गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जिसपे वो उस 15 लाख से अपना पूरा प्रोजेक्ट कैसे इस्टेब्लिश करना है, रिसर्च करके उसको उसके कितने बेनिफिट्स रहेंगे, उसका प्लान कैसे सेटअप होगा, ये सारा चीज करने के लिए 15 लाख पर आइडिया इस तरह से फंडिंग होती है बिजनेस इंक्यूबेशन के लिए। और जिनको ग्रांट मिलता है वहां पे 1 करोड़ का ग्रांट भी मिलता है। Then same with Z certification scheme, इसमें भी Z मतलब zero defect zero effect, Z अगर ये कोई अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको 80% का सब्सिडी होता है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, 60% का सब्सिडी स्मॉल एंटरप्राइज के लिए होता है और 50% सब्सिडी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जिनके पास जेड सर्टिफिकेशन होता है उनको गवर्नमेंट परचेस में भी प्रेफरेंस मिलता है। दिस इज बिजनेस इंक्यूबेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। होस्ट इंस्टीट्यूशन में गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 करोड़ फॉर परचेसिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई भी कॉलेज है उन्हें अगर अपना बिजनेस इंक्यूबेशन सेटअप करना है अपने कॉलेज में या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, तो उन्हें प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए गवर्नमेंट 1 करोड़ तक का ग्रांट देती है। और जो आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज वहां पे जो आते हैं, उसमें 15 लाख पर आइडिया। दिस इज इनोवेशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने कुछ नया एक इनिशिएटिव लिया था इंडो जर्मन टूल रूम के साथ, जो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके साथ एक जॉइंटली इनोवेशन प्रोग्राम किया था, तो उसी के कुछ। देन ये हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है,
टेक्नोलॉजी सेंटर में किस तरह से काम होता है, क्या चीजें वहां पे प्रोवाइड होती है, तो उसमें टेक्नोलॉजी सेंटर में जो डिजाइन कैसे बनाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको किस तरह से टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, वो सब उसमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। देन स्किल डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी, ये टेक्नोलॉजी सेंटर का है। इस तरह से प्रोडक्ट्स वहां पे बनते हैं। ये कुछ कोर्सेस है जिसपे ट्रेनिंग दिया जाता है टेक्नोलॉजी सेंटर में, जैसे कि टूल डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूल एंड डाई मेकिंग है, इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स है जो नागपुर में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट अभी करेंगे आने इन फ्यूचर, तो जैसे मेट्रो गॉच है, मेट्रो का भी जो कंसेप्ट है वो MSMEs को देने का था, तो इस पे सब अभी काम शुरू होगा। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट हो यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या सर्टिफिकेशंस लगेंगे, किस तरह से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, इस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी MSME काम करती है। एग्जीबिशन में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो जो आपको एयर फेयर होता है, एयर फेयर के साथ आपको जो स्टॉल रेंट होता है, ऐसा आपको पूरा असिस्टेंस मिलता है अप टू 2 लाख रुपीज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने का। और उसमें वुमेन्स के लिए ये बेनिफिट है कि उनको 100% मिलता है, जैसे जनरल कैटेगरी को 80% मिलता है, वैसे वुमेन्स के लिए ये बेनिफिट है कि उनको 100% एयर फेयर एंड 100% स्टॉल चार्जेस मिलता है। दिस इज इंटरनेशनल एग्जीबिशन सब्सिडी पार्टिसिपेशन इन टू, तो आप साल में कोई भी 2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डोमेस्टिक भी 2, ऐसे आप एक साल में 4 बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 लाख फॉर स्पेस रेंट, तो जो स्पेस रेंट होता है उसके लिए 1 लाख मिलता है, और जो एयर फेयर है उसमें 1.25 लाख का सब्सिडी मिलता है। या मैम, इसका बजटरी प्रोविजन भी रहता है क्या? मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मोर देन 10 पीपल अगर ग्रुप है तो हम लोग डेलीगेशंस भी भेजते हैं, यदि आप कोई जो इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है उनके थ्रू यदि आप जाते हैं तो आप डेलीगेशन के साथ भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होते हैं, जो अप्रूव्ड होते हैं उसकी लिस्ट आती है, वो MSME के वेबसाइट पे हम लोग अपलोड करते हैं। जैसे आप नागपुर की वेबसाइट को देखेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल टूर्स बंद है, तो अभी तो नहीं है, लेकिन हर साल हमारी नई लिस्ट आती है जिसमें जिसे हम अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो वो देख के आपको यदि पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे ऑफिस में आके डायरेक्टली यही से उसकी फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन देना है, उस लिस्ट में मेंशन होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स उस फेयर में चलने वाले, अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई, वो कौन सा एग्जीबिशन है, कौन से कंट्री में है, क्या प्रोडक्ट के लिए है, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन की रहती है। आपको इसमें असिस्टेंस मिलता है, आपको पहले अपने पैसों से टिकट बनाना है, रेंट पे करना है, और उसके बाद आपको सारा का सारा चीज हमें, हमारे पास आपका एयर फेयर का जो भी है रिटर्न आने का, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके बोर्डिंग पास रहेंगे, आपकी एयर टिकट रहेंगे, ये सारा आपको हमारे पास सबमिट करना होता है। स्टॉल रेंट आप पे करते हैं तो उसके चार्ज, उसका जो आपको रिसिट मिलता है वो पे करना पड़ता है, तो आपको सारा चीज रीएम्बर्स हो जाता है फेयर से रिटर्न आने के बाद। इसमें एक और चीज है, आप अगर डेलीगेशन के साथ जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है, आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप ऐसे डेलीगेशन के साथ जाते हैं तो आप विजिट के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें सेम आपके स्पेस रेंट नहीं रहे लेकिन एयर फेयर आपको। ये वही स्कीम है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। इसमें आप डेलीगेशन जो जाता है ना, विजिट ऑफ MSME डेलीगेशंस टू अदर कंट्रीज, इसमें आप कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और कोई वहां पे यदि कोई विजिट है, मतलब कोई मीट है, सबमिट है, उसमें पार्टिसिपेट करना है आपके प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस उसमें क्राइटेरिया तो होता है कि आपको 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए डेलीगेशन में यदि आप जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं रहता है, पूरा विदर्भ रीजन के लिए हमारा नागपुर ऑफिस है।
ओके, और पूना और इस रीजन के लिए, पुणे के लिए? हाँ, उधर साइड अगर है अदर देन विदर्भ तो महाराष्ट्र में मुंबई ऑफिस है, एमएसएमई डीआई मुंबई। ओके, सो अगर एमएसएमई को अप्रोच करना है तो दो ही ऑफिसेस है, मुंबई और नागपुर? यस, मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ये तो SEZ का है, SEZ में जो भी एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट है वही वहाँ पे रहते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत जो कोविड में कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई थी ये उसी के लिए है, बट अभी इसमें से सिर्फ MSME का जो डेफिनेशन चेंज हुआ था वही इम्प्लीमेंटेड है, बाकी तो कोई चीजें नहीं है। ये नए जो आत्मनिर्भर भारत की जो गाइडलाइंस आई थी ड्यूरिंग कोविड उसमें इसका डेफिनेशन चेंज हुआ था टर्नओवर एंड, तो ये जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कुछ जो स्कीम्स है जैसे ये है 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, तो ये स्कीम अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, ये भी स्कीम्स अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है क्योंकि काफी सारी बैंक्स में मोरेटोरियम और वो सब चल रहा है, तो ये हमारी स्कीम्स में नहीं आता है। देन ये है क्लस्टर, तो क्लस्टर की जो स्कीम्स है इसमें जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड एंटरप्राइज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दैट फेस कॉमन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो ये बेसिकली स्कीम जो है ये किस चीज पे है कि जो छोटे छोटे MSMEs होते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनको, जैसे कोई अगर हम फूड इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं, अगर एक 10 तरह के यूनिट है एक एरिया में जो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन यूनिट बहुत छोटा है तो उनको नए टेक्नोलॉजी के मशीन्स लगाना पॉसिबल नहीं है अपने यूनिट में। एक यूनिट की अगर हम बात करें, अगर सपोज अगर कोई यूनिट है फूड प्रोसेसिंग में, अगर वो कोई एग्रो प्रोडक्ट्स बनाता है जैसे जैम जैम फ्रूट जैम है, जेलीज है, इस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है तो एक एरिया में अगर ऐसे 100 मैन्युफैक्चरर्स है छोटे यूनिट्स और उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो मशीनरी की उनके पास कमी है, बड़ी मशीनरी नहीं है, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी उनके पास अच्छी नहीं है, कुछ मशीन्स है जो वो अपने इंडिविजुअल यूनिट में नहीं लगा सकते और उस मशीन की जरूरत सभी इसको है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्होंने क्लस्टर्स की स्कीम बनाई जिसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम सेटअप करके देते हैं जिसमें जितने भी इश्यूज है MSMEs के उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को लेके, उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग को लेके, तो वो सारे जो इश्यूज है वो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सेटअप किया जाता है, उसमें मशीनरी और सब चीजें सेटअप करने के लिए उनको ग्रांट दी जाती है। जैसे सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ MSME बाय एड्रेसिंग कॉमन इश्यूज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ MSMEs फॉर कॉमन सपोर्टिव एक्शन, create upgrade infrastructural facilities in industrial estate, setting up of common facility center and promotion of green and sustainable manufacturing technologies. तो ये जो स्कीम है जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है और ये बाकी की MSMEs है, तो ये सारी MSMEs को रॉ मटेरियल सप्लाई करना, फिर अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना और एक साथ मिलके काम करना, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यही स्कीम है जिसमें आपको एक ग्रांट मिलता है, तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट एनहांस अप टू 15-20 करोड़ का इसमें ग्रांट रहता है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहता है 70% और ओन कंट्रीब्यूशन रहता है 30%, इस तरह का रेशियो रहता है क्लस्टर स्कीम में। पर इसका क्राइटेरिया एक होता है जो एक SPV फॉर्मेशन होता है जो एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 20-25 उसके पार्टनर्स होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है, और जो मेंबर्स हैं वो कम से कम मोर देन 100 होने चाहिए, 100-200 होने चाहिए, तभी हम लोग एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सेटअप कर सकते हैं और ये ग्रांट दे सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जिस्टिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जो नागपुर में है, ये गारमेंट क्लस्टर है, गारमेंट क्लस्टर जो छोटे छोटे गारमेंट के यूनिट है उनके लिए एक कॉमन, मतलब जिनका खुद का यूनिट है ऐसे ही। यस यस यस, जैसे अभी आपका यूनिट होना चाहिए, अभी ये गारमेंट इंडस्ट्री है तो उनका कुछ ना कुछ तो मतलब उस सेक्टर से जुड़ा हुआ यूनिट। हाँ, जैसे अगर आपके यहाँ पे ये छोटे यूनिट में ये वाली मशीनरी नहीं लग सकती है, काफी बड़ी मशीन है,
आपको अगर कोई कपड़ा बनाना है और उसमें प्रिंटिंग चाहिए, कोई डिजाइन आपने डिसाइड की है कि ऐसे डिजाइन मुझे ये कपड़े पे प्रिंट करके चाहिए, तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास तो मशीन नहीं है, तो आप ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आपको बाहर से कम रेट में डिजाइन प्रिंट करके मिलेगी आपके इसमें। तो आपका क्या होगा कि इसमें रॉ मटेरियल है उसका पैसा कम हो जाएगा। आप बाहर कहीं से बनवाते तो आपको अगर कहीं 10 रुपए देने पड़ते तो यहाँ पे आपका 5 रुपए में काम हो रहा है, तो ये बेनिफिट आपको मिल गया। आपके कॉस्ट भी बढ़ गए, मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ गया। तो इस तरह से ये एक इसका बेनिफिट है। ये CFC बिल्डिंग है जिसमें दाल प्रोसेसिंग। यस, जो एसटीबी जो बनेगा वो 10 लोगों का होगा ना? नहीं, इसमें एक क्लस्टर जो होता है कम से कम 100-200 लोग इसमें रहते हैं मेंबर क्लस्टर में। तो जो फॉरेन विजिट के लिए डेलीगेशन जाता है उसका ग्रुप 10 लोगों का होता है। ये कॉमन फैसिलिटी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दिस यूनिट्स एसपीवी। यस, जो एसपीवी बनेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक स्मॉल जो प्राइवेट कैन बी अ प्रमोटर एज वेल, बिकॉज़ सी मेरा अगर कुछ यूनिट नहीं है फिर भी मैं क्लस्टर को प्रमोट कर सकती हूं। उसमें यही क्राइटेरिया रहता है, हर यूनिट होना चाहिए। आप अगर उस प्रोडक्शन में है, आप कुछ बनाते हैं तभी आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर का बेनिफिट ले पाएंगे। यदि आप यूनिट ही नहीं है तो आप बेनिफिट उसका नहीं ले पाएंगे। ये उसका क्राइटेरिया है, एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर आप होने चाहिए। ये सेम पूरी स्कीम, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो एक साल का होता है पूरा, फ्रॉम सॉफ्ट इंटरवेंशन टू फाइनल हार्ड इंटरवेंशन तक के। तो ये पूरे एक साल की स्कीम होती है जिसमें अप्रूवल से लेके सारी चीजें प्रोसेस होती है, और पेमेंट जो होता है इसका, ग्रांट जो होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप उस चीज में आता है। तो ये कुछ उसके कंपोनेंट्स है। ये मार्केटिंग हब्स एग्जीबिशन सेंटर्स है, उसमें जो हम देते हैं क्लस्टर स्कीम में, उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब जो उसके लैंड मतलब रोड्स है, जो कनेक्टिविटी होती है वो उसको डेवलप करने का एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मार्केटिंग हब्स, थेमेटिक इंटरवेंशन, यदि उसमें कोई ट्रेनिंग देना है, जैसे आपने गारमेंट क्लस्टर का मैंने दिखाया, ट्रेनिंग भी वहां पे ले सकते हैं। किसी को अगर डिजाइन है स्टिचिंग सीखना है तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होती है एक तरह से। तो इस तरह से ये सारी चीजें एक क्लस्टर में इंक्लूड करके हम देते हैं पूरा उसका ग्रांट। ये इसके वीडियोस है, ये आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। स्फूर्ति क्लस्टर है एक, स्फूर्ति क्लस्टर में भी जो अभी अदर देन इंडस्ट्री, अगर आप खादी में जाते हैं तो बाम्बू हो गया, हनी मिशन हनी हो गया, इस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है तो उनके लिए स्फूर्ति एक क्लस्टर है जिसमें हम लोग 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का ग्रांट देते हैं, 10 करोड़ तक का स्फूर्ति क्लस्टर में। तो इसका भी क्राइटेरिया सेम है, बट इसमें यूनिट की जगह हम लोग आर्टिसंस लेते हैं। जो लोग अगर कोई अगर स्किल्ड लेबर है जिनको बाम्बू का आर्ट आता है, या कोई हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड किसी और इसमें एक्सपर्टाइज है, ऐसे अगर 100 लोगों का ग्रुप है तो हम उनको स्फूर्ति क्लस्टर में प्रमोट करते हैं। उनको सेम स्कीम में हम लोग उनका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सेटअप करके देते हैं। तो इसमें ये स्कीम में भी आपका 5-10 करोड़ तक का ग्रांट होता है स्फूर्ति में। ये जनरली रूरल एरिया में जो छोटे आर्टिजन्स होते हैं उनके लिए, उनके प्रमोशंस के लिए ये स्कीम है। तो ये सब वो रिपीटेड ही है। ये लीन है, जैसे मैंने बताया कि लीन कंसल्टेंट जो आता है वो इस तरह की अगर इंडस्ट्री है तो उसको पूरा चेंज करके एक प्रॉपर जो उसमें जापानीज टेक्नोलॉजीज है, सिक्स सिग्मा वगैरह उस तरह का टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करके प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है उसमें हेल्प करता है। तो ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स है, ये कुछ आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स है हमारे जिसमें अभी हम काम शुरू करेंगे, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। गोंदिया में आप देख सकते हैं, इधर नागपुर में।
तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। मैम और एक ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब अगर आपकी क्लस्टर की रिक्वायरमेंट है कि 100 या 150 यूनिट चाहिए, मतलब एकाध रीजन में उतना नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, वहाँ के महिलाएं कुछ करना चाहती है, अगर वी कैन प्रोवाइड देम अ ट्रेनिंग एंड अगर हम उनके मतलब एंटरप्राइज खड़ा करके ये क्लस्टर बना सकते हैं क्या, मान में अप्लाई कर जी, सकते हैं? जी जी हाँ, यहाँ पे इतने मैंने स्कीम्स को एलैबोरेट किया है, ये कुछ स्कीम्स है एमएसएमई की। जैसे कि आपने पूछा, अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करते हैं तो वुमेन्स किस चीज में उनका एक्सपर्टाइज है, जैसे क्लस्टर अगर करना है तो हम अगर फूड क्लस्टर की बात करें तो बहुत सारी लेडीज होती है जो पापड़ पिकल्स इन सब में बहुत इंटरेस्टेड होती है, उनको तो उनका एक्सपर्टाइज होता है इन सब चीजों में, तो अगर उनका नॉलेज है तो क्यों ना वो खुद का उसको बिजनेस में कन्वर्ट करे। तो हर लेडी को अपने घर में वो पापड़ का बड़ा मशीन सेटअप करना पॉसिबल नहीं है, वो लोग छोटे छोटे मशीन्स अपने घर में लगा के उसमें छोटा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन यही अगर हम बड़ा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर सेटअप करके देते हैं 1900 लेडीज को, तो उसमें क्या होगा कि वो लोग एक बड़ा मशीन सेटअप करेंगे, ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होगा, उसका एक ब्रांड बनाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट को, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं लिज्जत पापड़ जैसे है, ये एक बड़ा ब्रांड हो गया। इस तरह से उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं यदि क्लस्टर हम बनाते हैं, तो साथ ही में उनको उसका वो एक ग्रांट मिलेगा उसमें, जिसमें उनको रिफंड मतलब रीपेमेंट नहीं करना है, कोई लोन के फॉर्म में नहीं रहेगा वो, तो वो एक वुमेन्स के लिए हम कर सकते हैं जो लेडीज है जिनको। तो बस उसमें क्राइटेरिया यही रहता है कि उनको एक ही प्रोडक्शन में वो लोग होने चाहिए, जैसे फूड में है अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं लेकिन मशीनरी उनका सेम होना चाहिए। और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आप ऑनलाइन ही उसका रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, लेकिन वो है कि वैलिड ऑथेंटिकेट उनके यूनिट्स उनके काम होने चाहिए, जैसे वो जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये कुछ क्राइटेरिया है, तो इसमें वो बेनिफिट ले सकते हैं। या बट कमोडिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्लस्टर बनाने और इसका कैप मतलब बजटरी प्रोविजन भी रहता है, कैप रहता है कुछ क्लस्टर के लिए? बजेटरी प्रोविजन मतलब यही है कि इसमें हम डायरेक्टली ग्रांट मिलता है, जो ग्रांट होती है वो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आप जो मशीनरी सेटअप करने वाले हो उसका कॉस्टिंग क्या है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है उसका फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जैसे अगर हम फूड में जाना चाहेंगे तो फूड की मशीनरी इतनी कॉस्टली नहीं होती कि उसमें 15-20 करोड़ का ग्रांट रहे, वो 5 करोड़ की भी प्रोजेक्ट बन सकता है, वो किस तरह से रहता है। तो मेन चीज होती है आपका कितना प्रोडक्शन है और आपके क्या प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कैन वुमन एसएचजीज आल्सो अप्लाई एज अ ग्रुप फॉर ग्रांट? मैम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये कोई और से भी आवाज आ रहा है, कोई बोल रहा है या म्यूट? Yes ma'am, एक question है chat box में, can women SHGs also apply as a group for grant? नहीं, individual जो है women entrepreneurs वो grant के लिए apply नहीं कर सकते। If they want to start their own enterprise, they can apply through PMEJP. They can go with the proper loan process. अगर उनके पास खुद का फंडिंग करने की कैपेसिटी है तो वो खुद से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो वो लोन के थ्रू अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बट ग्रांट वही मिलती है जहाँ कॉमन कोई चीजें होती है, जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है, क्लस्टर बनता है, तब उनको ग्रांट मिलती है। इसके अलावा आप अगर स्फूर्ति में भी जाते हैं, अगर आपके पास यूनिट नहीं है, आप इंडिविजुअल पर्सन हो लेकिन आपके पास यदि कोई सर्टिफिकेट है कि आप यस आप के पास स्किल है, आप बाम्बू आर्ट कर सकते हो, या आप कोई हनी प्रोसेसिंग में आप एक्सपर्टाइज हो, या मशरूम प्रोसेसिंग में आप एक्सपर्टाइज हो,
तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सर्टिफिकेशन आपके पास अगर कार्ड है कि आप हैंडीक्राफ्ट कर सकते हो तो उसमें एज अ आर्टिसन आप एक अपना क्लस्टर बना सकते हैं, उसमें 50 भी लोग हो तो भी बनता है, उसमें 100 लोग हो तो भी बनता है, तो उसमें ज्यादा नहीं वो रहता है, मतलब लोग ज्यादा होने चाहिए ये जरूरी नहीं रहता, और उसमें भी ग्रांट 5 करोड़ तक का ग्रांट उसमें भी मिलता है। हाँ, जो भी ग्रांट्स होते हैं वो प्रोडक्ट और उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली होते हैं। Any other questions, participants? साधना जी, क्वेश्चन है कुछ? काम झाला सर, हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ मैम, एमएसएमई से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एमएसएमई से जुड़ने के लिए मतलब आप क्या करते हैं? हमारा सोयाबीन का सोया प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर है हम। हाँ। सोया से हम पनीर, दूध, दही, पनीर, श्रीखंड, सोया कॉफी, रोस्टेड बनाते हैं। अच्छा, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केटिंग वगैरह करते हैं? हम एग्जीबिशन में जाते हैं और यहाँ हमारे जिला लातूर जिले में सुपरमार्केट में भी हम वहाँ रखते हैं। ओके, हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एमएसएमई की तरफ से। आप एग्जीबिशन में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो भी आप स्टॉल रेंट है, आपका जाने आने का जो खर्चा है, आपका सामान ले आने का खर्चा है, ये सारा एमएसएमई इसमें आपको रिएम्बर्स कराती है। उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन करना होगा? आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आपका। हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने किया है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ, किया है हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जीबिशन में। हाँ, थ्रू आउट इंडिया जो भी एग्जीबिशन होते हैं, नागपुर में होते हैं, मुंबई में होते हैं, ऐसे एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर बिजनेस को भी एक्सपांड करना है तो पीएमईजीपी का ये ले सकते हैं ना, आप मुद्रा में फाइनेंस ले सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कोलैटरल देके करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, हमने सीएमईजीपी का फाइल डाला है डीएसी में। ओके, किया है हमने। हाँ, 50 लाख का हुआ है हमारा। हाँ, अभी यूनिट हम बड़ा रहे हैं। ओके, हाँ, उसमें सीएमईजीपी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें भी आपको बैंक फाइनेंस होता है। हाँ हाँ, उसका क्राइटेरिया और पीएमईजीपी का क्राइटेरिया एकदम सेम है। हाँ, सेम है, हमने सीएमईजीपी का लिख किया है। हाँ, और उसमें आप मुद्रा वगैरह का बेनिफिट ले सकते हैं। अमृता मैम, एक क्वेश्चन था। परिणीति मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर मंजूषा कदम बात कर रही हूँ, कस्तूरी जो टाटा केमिकल सोसाइटी की पहल है उनकी तरफ से। महाराष्ट्र के अलग अलग एसएचजीज और एफपीओ के साथ हमारा काम चलता है। आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अगर क्यों ना एक इंस्टीट्यूशन ये इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का काम का जिम्मा उठाए, तो इसके लिए कोई नोडल एजेंसी वगैरह अपॉइंट होता है क्या, जो कि इसके बारे में अवेयरनेस वगैरह लोगों में फैला सकता है? क्योंकि कृषि विकास भी एक बड़ा संगठन है, ये 5 अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारे ग्रुप्स के सवाल है, बहुत कम लोग ऐसे कि ये बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी रखते हैं, या इनकी कुछ डेडलाइंस होगी एप्लीकेशन की, स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है कि जब ये करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे? नहीं, इसमें कैसा है कि हम खुद भी अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे एनजीओज है यहाँ पे जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमारे तक भी वो नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ। और हम लोग भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस और ये सारी चीजें होती है। अब हम लोग जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स और हमारी एक्टिविटीज जो रहती है वो हमारे नियर बाय एरिया में रहती है,
बट तो इस वजह से क्या होता है कि वो कुछ दूर का जो एरिया रहता है वहां तक पहुंच नहीं पाते थे. तो आपको इस तरह से कोई जैसे अवेयरनेस कैंपेन करना है एमएसएमई के साथ मिलके, तो आप हमें लिख सकते हैं मेल पे, या तो हम इस तरह के कोई प्रोग्राम से यदि हमें कंडक्ट करना है, जैसे मोटिवेशनल कैंपेन हो गया, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं आपके एनजीओ के साथ. साथ ही में अगर कोई आप एक स्कीम मैंने नहीं बताई, जैसे बिजनेस इंक्यूबेशन की स्कीम जो मैंने बताई, सेम उसमें एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन करके एक और हमारी स्कीम है, जिसमें कोई एनजीओ यदि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका है, आपके पास महिलाएं हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें यदि आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो फैसिलिटी है वो एमएसएमई प्रोवाइड करके देगा. उसमें भी आपको एक 50 लाख तक का हम ग्रांट देंगे, जिसमें आपको सारी मशीनरी हो गया, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए, उसका पूरा हम ग्रांट देते हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर उसमें से आप अपना खुद का भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और लोगों को भी उसमें बेनिफिट होता है. मतलब बाहर के कंपेयर में आपके पास वो, उनको बेनिफिट क्या होगा कि आप उनको वो स्किल डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही में उनको जो फीस पे करना पड़ रहा है वो आपके पास कम रेट में उनको मिलेगा, जैसे बाकी लोगों के पास अगर उनको ज्यादा फी पे करना है. तो इस तरह से भी हम आपको बेनिफिट हो सकता है. तो इस तरह की कुछ स्कीम्स है हमारी. यदि आप इस काम करना चाहते हो, आपको एक बार हमें ऑफिस में आके मिलना पड़ेगा या तो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा टेलीफोनिकली, सो दैट हम लोग उस तरह से. अमृता जी, परिणीति मैम का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों भी रखिएगा पास में, एक जॉइंट प्रपोजल भी हम लोग दे सकते हैं सीएसआर फॉर्म. बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम. क्योंकि अभी कृषि विकास में बहुत सारे सीएसआर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी लाइवलीहुड पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है. सो अगर ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स वहाँ पे मिल जाते हैं, नॉट ओनली फॉर वुमेन बट वहाँ पे यूथ भी जो रहते हैं, तो वहाँ अगर वहाँ पे भी ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स इफ यू कैन प्रोवाइड, सो दैट्स अ रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. स्पेसिफिकली आपका स्पूर्तिका की मुझे बड़ा अच्छा लगा मैडम, आप जब इन्फॉर्मेशन दे रही थी. तो स्पूर्ति का स्कीम काफी अच्छा है. मतलब जो आर्टिजन्स है, जिन लोगों को खुद वो लोग उनके पास पैसे भी नहीं होता जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, वैसे लोगों को आप लेके एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर तैयार कर सकते हैं, जिसमें वो अपना काम खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद बेचेंगे अपना प्रोडक्ट और अपना अर्निंग करेंगे. तो ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है. इसमें अभी हम लोग क्लस्टर के जैसे ये काम करेंगे, जैसे खोया बनाना है तो आप एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर. हाँ, जैसे अगर कोई अगर एक मेंबर है क्लस्टर का और खुद आर्टिजन है, उसको पता है कि बाम्बू का आर्ट कैसे बनाना है, तो क्लस्टर उसको क्या प्रोवाइड करेगा, जो भी बाम्बू के स्टिक्स होते हैं, मशीनरी होती है, वो अपना डिजाइन बनाएगा और बेचेगा वहीं पे. तो क्लस्टर को भी उसका बेनिफिट मिलेगा और उसको भी बेनिफिट मिलेगा. उसको खुद का कहीं और जाके काम करके, जैसे वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी की जगह वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा, ये उसका. और एक और भी सवाल था, ये जो सीएफसी रहते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो रहते हैं, कि जो एसपीवी चलाते हैं, सो उनको एक बार तो आप मैचिंग ग्रांट देते हो. ओके, सपोज 50 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो यू आर कम्प्लीटली मतलब पूरा 100% सपोर्ट देते हो 50 लाख का. सो उसके बाद में ये जो सीएफसी, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है? नहीं, उसके बाद भी तो उनको खर्चा तो लगता है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट. और ये क्लस्टर की यदि आप बात कर रहे हैं, तो क्लस्टर में क्रोर्स में ग्रांट होता है. क्लस्टर का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन शुरू हो गया वहां पे. कॉमन फैसिलिटी सेंटर का काम क्या होता है कि जैसे जो उनके मेंबर्स रहेंगे, जैसे 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स वहां आके अपना काम कर रहे हैं, तो जैसे बाहर अगर वो 10 रुपए फीस दे रहे, तो क्लस्टर को वो 5 रुपीज फीस देंगे, फीस देना, और क्लस्टर का रेवेन्यू जनरेट होगा. फिर क्लस्टर उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेगा, उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा. इस तरह से क्लस्टर का भी रेवेन्यू जनरेट होगा और जो यूनिट्स है उनको भी बेनिफिट होगा. उनके उनको बाहर अगर 10 रुपए में काम करवाना है, तो क्लस्टर से अपना काम 5 रुपए में कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि उनके पास भी उतना सेविंग हो रहा है और उनका भी प्रॉफिट हो रहा है, क्लस्टर का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. सेम विद दिस लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन, इनका भी वैसे ही है कि ये अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए, तो हम मशीनरी के लिए उनको ग्रांट देते हैं. उसके बाद जो मशीनरी, क्या लगता है मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एक इंस्टीट्यूट को, जैसे टेबल चेयर्स हो गया, प्रोजेक्टर्स, वो सब तो देते हैं,
जैसे बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग मेन है, लैंड इंपॉर्टेंट है, लैंड और बिल्डिंग अगर आपकी खुद की है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो उसमें भी रेवेन्यू सेम वे में जनरेट होगा, आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पास से एक्टिविटीज करा सकते हैं, तो उसका बेनिफिट होगा लोगों को भी और उसमें रेवेन्यू जनरेट भी होगा एनजीओ का. और एक लास्ट सवाल था, जो ट्रेनिंग्स जो बताया ना, सो इट वाज लाइक टूल मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग, इट वाज रिलेटेड टू द मैकेनिकल एंड ऑल, बट एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के लिए कौन से ट्रेनिंग्स आप, फूड सेक्टर्स के लिए कौन से सेक्टर्स में? ये तो मैंने सिर्फ वो ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग्स आपको बताया, लेकिन एमएसएमई की ट्रेनिंग की लिस्ट यदि आप देखते हैं तो उसमें कोई भी सेक्टर नहीं छूटा है. उसमें सॉफ्टवेयर से लेके फूड से लेके बेकरी से लेके हर चीज का ट्रेनिंग होता है. वो मतलब डिपेंड्स ऑन के कितने लोग उसमें, हमारी 20 की बैच होती है जनरली, 20-25 लोगों की. उस बैच में यदि अगर हमें टारगेट आता है, जैसे कि अभी हम लोगों को, जैसे हमारे मिनिस्टर है नारायण राणे सर, वो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट वहां पे सेटअप किया कि 20 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में करना है. तो उसी तरह के प्रोग्राम्स यदि हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर किसी को उसका बेनिफिट मिल सकता है. तो स्किल डेवलपमेंट में बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रो में जो नया टेक्निक्स आया है अभी, वो वर्टिकल फार्मिंग और वो सब, इसके ट्रेनिंग्स होते हैं, इसके अवेयरनेस सेशंस होते हैं. इस तरह के ट्रेनिंग्स हम देते हैं. अगर उस एरिया में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि अवेलेबल है कि वहां के लोग आके कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं. So someone has to approach to you for such kind of trainings. Yes. उसके भी अप्रोच भी नहीं करना है, हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं. अच्छा. जब भी ट्रेनिंग शुरू होता है तो आपको बस वेबसाइट को विजिट करना होता है और न्यूज़पेपर में, जैसे लोकमत हो गया, हितवाद हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर पे आता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. कुछ पूछना चाहते हैं क्या? इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. मैं अपने ऑफिस का नंबर आपको देती हूँ, जिससे yes, आप कभी तो बाद में भी अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी मतलब इमीडिएटली नहीं, मतलब पूछने में थोड़े से ये हिचकिचाते भी है. हाँ, अदरवाइज आई कैन टेक अप दिस योर क्वेश्चंस एंड आई विल श्योरली फॉरवर्ड टू यू. यस, तो आप यहाँ, मैं सबको बता देती हूँ, 0712251046, दिस इज माई नंबर. 0712, दिस इज कोड नंबर नागपुर, 0712251046, 251046. ये ऑफिस का नंबर है, आप इसमें मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, कुछ भी रहा तो. और मैं खुद भी आपके साथ काम करना चाहूंगी. आप जैसे कृषि विकास काफी अच्छा, आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कर रहे हैं, बाकी इस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली एमएसएमई आपके साथ जुड़ना चाहेगा. तो आप भी, आपके पास अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स है, तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ, आपके डिस्ट्रिक्ट में इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंट करें. आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप करते हैं, क्योंकि इस साइड में तो नहीं है, नागपुर साइड में नहीं, पूरा मतलब महाराष्ट्र तो कवर हुआ अभी, मतलब सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स में भी चल रहे हैं, नागपुर चंद्रपुर इन साइड में चल रहा है, एमपी में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा है. ओके. और अभी यहाँ पे पुणे में बेल्ले करके है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट हमारा सस्टेनेबल लैंडस्केप का प्रोजेक्ट, दीज आर स्कैटर्ड प्रोजेक्ट्स. तो जैसे कि दिसंबर में मुझे एक ESDP करना है उधर सिंधुदुर्ग में, तो उस साइड में अगर कोई है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या इस तरह के कुछ पार्टिसिपेंट्स मिल सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट करिए कि आप कौन से टॉपिक पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करना चाहते हैं. कोई एक टॉपिक जिसमें आप बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, आपके लोग भी तैयार हो सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है? या ऑलरेडी सिंधुदुर्ग में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है फिशेस पे. ओके. तो उस तरह का कुछ है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करिए, तो मैं
वहाँ पे जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हूँ, तो उसमें से आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं. Yes, ma'am. Sure. So, thank you so much, ma'am. So, I request Dr. Manjusha Kadam, ma'am, for a vote of thanks. Hello? Yes, Samrudha. Yes. So, finally, we are towards the end of the program. मैं कृषि विकास संस्थान और कस्तूरी टाटा केमिकल की जो पहल है, दोनों संस्थान की तरफ से सभी लोगों को, जितने भी मेरे अटेंडीज है, उन लोगों को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी. प्रोग्राम ज्यादा लंबा खींच गया, बट इतनी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी प्रणीता मैम. मुझे लगता है कि कोई ऑफिशियल इतना स्कीम्स के बारे में ओपनली बताते हुए मैं तो पहले ही सुन रही हूँ. या तो मैं कॉर्पोरेट्स में काम करती हूँ तो मुझे पता नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था, शारदीय नवरात्र चल रहा है और इस नवरात्र के 9 दिन हम लोग सेलिब्रेट ऐसे करना चाहते थे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, कोई इनेबलर आए, एनजीओ से जुड़े हुए लोग आए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, एसएचजीज हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक महिला को सशक्त करने के लिए खड़े रह रहे, ऐसे सारे लोगों को क्यों ना एक इस प्लेटफॉर्म पे बुला के उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई जाए कि एग्जैक्टली ये इस तरीके से काम होता है. तो ना ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम है, इसके साथ ही हम लोग महिला कृषि सम्मान का भी प्रोग्राम कर रहे हैं. तो जितने भी एनेबलर्स हैं उन लोगों को, फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा योगदान दिया है कृषि का, नारी का सम्मान बढ़ाने में, तो वो भी अपना आवेदन पत्र हमें भर सकते हैं. आज का उसका आखिरी दिन है. प्रणीता मैम, मैं आपसे भी विनती करूंगी कि आप भी अगर उस आवेदन पत्र में आप सम्मिलित होना चाहे तो मोस्ट वेलकम. आपके पास इतनी अच्छी जानकारी है, आपसे जुड़ के तो मुझे लगता है कि जो 4-5 स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे कृषि विकास बहुत अच्छे से काम कर रहा है कस्तूरी, उनके साथ महिलाओं को प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा सेल्फ लीडरशिप के बारे में ही ट्रेनिंग देने का काम कर रही है. हम लोग करीबन अब तक 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इसके साथ जितने भी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, 25 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं. तो बहुत अच्छा होगा कि डायरेक्टली अगर एमएसएमई से हमारा कोई कनेक्ट बन जाता है तो लोगों तक पहुंचना और ये प्रोग्राम करना ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है. कृषि विकास भी खुद मैनेज हैदराबाद से जुड़ा हुआ संस्थान है, ये सीबीबीओ भी है, आपने अगर इन लोगों के वीडियोस पहले देखे होंगे तो. तो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट का 5 अलग अलग राज्यों का काम इनके पास है. और मैंने तो मैं खुद एक रिसर्च ऑफिसर भी हूँ, मैं पीएचडी के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन भी करती हूँ, पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में हूँ. तो मैंने देखा है कि ना कि सिर्फ ट्रेनिंग देने से काम बनता है, बाद में तो हैंड होल्डिंग का अच्छा खासा सपोर्ट लगेगा. एंड मोर देन 90% इट इज जस्ट द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन विच कैन मेक हिम एन एंटरप्रेन्योर. नहीं तो सारे सिर्फ बिजनेसमैन बन जाएंगे. एंटरप्रेन्योर को तो हर दिन भागना पड़ेगा और उसकी सारी की सारी नींव बांधने का काम मेरी संस्था कर रही है, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं हम लोग सुनते हैं, उनको बिजनेस कोचिंग भी देते हैं. 1 साल का चुनाव हम लोग उनका करने वाले हैं. आज हमारे पास करीबन 60 एप्लीकेशन आए हैं जो कि कृषि महिला सम्मान के लिए जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है, उनका चुनाव अभी हम लोग करने वाले हैं. और उसमें से कुछ चुने हुए इंस्टीट्यूशंस को, जो कि 1 से 3 साल के एज जिनके है, उन लोगों को 1 साल का पूरा मैं कहूंगी कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट का सपोर्ट मेरी संस्थान की तरफ से दिया जाने वाला है. तो इसलिए हम लोग कृषि विकास के साथ भी जुड़े थे क्योंकि ये बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, किसानों से जुड़े हुए है. किसान में, किसानी की बात करें तो किसान में काम करने वाली महिला हमेशा काम करने के बावजूद भी पीछे रहती है, तो उसका कहीं ना कहीं तो सम्मान हो, ना कि सिर्फ एक अवार्ड देके ये काम खत्म करेंगे. 1 साल का पूरा हम लोग हैंड होल्डिंग का सपोर्ट भी हमारी संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले है ये प्रोग्राम. तो अलग अलग संस्थान जैसे आपका है, मैंने हमेशा एक पहल की थी मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि एफपीओ और एसएचजी इनका कंबाइन अगर कोई संस्थान या कोई ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशन दे पाता है, तो अलग अलग स्कीम के द्वारा आप ये कॉम्बिनेशन वाला प्लेटफॉर्म अगर देते हो तो वो गैप फिलअप होता है. जैसे आपके पास कुर्ती का स्कीम था या पीएमईजीपी के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत अच्छी स्कीम से,
लेकिन एक एफपीओ बनने के बाद जो संगठन बनता है, ये संगठन बहुत बार तो ये स्कीम के बारे में जानता ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं क्लस्टर डेवलपमेंट की भी एमएसएमई की भी अलग सी स्कीम है जिसका की फायदा उनकी महिलाएं भी अलग से ले सकती है। तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल मैं खुद कृषि विकास के साथ में जुड़ के इनके एफपीओ के लिए प्रमोट करने की कोशिश में हूँ। अगर एमएसएमई भी साथ में जुड़ जाता है तो एटलीस्ट एक पायलट हम लोग इनके साथ करके देख सकते हैं। आपसे मैं कनेक्टेड रहना पसंद करूंगी इस प्रोग्राम के बाद भी, और बहुत 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 धन्यवाद, आपने समय निकाला एंड हम लोगों को मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड मुझे भी काफी अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो महिलाओं के लिए, तो ये मेरे लिए भी बहुत एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और स्कीम्स तो मतलब दिस इज माय ड्यूटी टू प्रमोट माय स्कीम्स, तो मैं चाहूंगी कि इनफैक्ट काफी सारी महिलाएं आगे आए और ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले। हम लोग तो है ही यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं भी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहूंगी, आपके साथ काम करना चाहूंगी डेफिनेटली। Yes. You can take my contact number and yes, thank you so very much. मैं आपका नंबर अमृता से भी ले लूंगी, थोड़ा आपसे कनेक्ट करना मेरे को ज्यादा आसान रहेगा बाद में। आपके साथ ही मैं पूरे कृषि विकास की टीम का भी धन्यवाद देती हूँ, पूरी टीम इस प्रोग्राम के आयोजन में जुड़ी हुई है मेरे साथ में। सुमित सर भी है, अमृता मैम है, खुद ये सारे लोग काम कर रहे हैं और इनसे जुड़ा हुआ पीछे बहुत बड़ा संगठन है। अमित नाफड़े जी और आशीष नाफड़े जी, ये दोनों भाइयों ने अपने पिता के मार्गदर्शन में, दिलीप नाफड़े जी के मार्गदर्शन में, ये संस्था पिछले 25 साल से ज्यादातर अब समय हो गया ये लोग काम कर रहे हैं बुल्ढाना में और विदर्भ में, तो बहुत अच्छा काम था। और पिछले 5 साल से मैं इनके साथ हूँ, मैं देखा है इनका काम अब तो बहुत ज्यादा फैल चुका, तो बहुत शुभकामनाएं कृषि विकास को भी। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू अमृता। थैंक यू, बस नो वर्ड्स रादर देन थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम for joining with us. Yes. We may call off a day. Thank you. Yeah, sure. Bye-bye. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.